माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अपने मामू के साथ देखे मस्ती कर रहा है। के साथ सब लगे हुए हैं, पापा अपना, उसकी मामा भी। मामा ऐसे करना है एक दफा, बलि की मामा ऐसे करना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चंदू फैमिली वीलॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक ठाक, मेरी सारी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं के साथ। यार सा इसलिए चढ़ा है ये, मैं सिर्फ स्कूलों आया वा, मैं बैग उतारिया तो मैं व्लॉग बनाना शुरू करता है। पूरे 3 बजे मैं आ जाता हूँ अब घर, क्योंकि सर्दी जैसे जैसे आ रही है तो मेरा टाइम जो है ना वो 2:45 हो गया, 3:45 तो 8:45 अभी मैं घर आया हूँ। तो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो बाकी अब आपको दिखाते हैं। अभी तो मैं कपड़े शपड़े बदल के साथ वाले कमरे में चलते हैं, चल के खाने छाने का पूछते हैं की प्रोग्राम है। अभी अभी मैं कमरे में आ गया हूँ अपने कपड़े वगैरह चेंज करके, और आपको एक सबसे अलग चीज़ दिखाता हूँ। यार जैसे ही मैं आया हूँ ना, वली अब मेरी तरफ ही सिर्फ देख रहा है। ये देखिए वली, ये देखिए जरा वली वली। अच्छा अभी ये हमारे घर में ना रात को पता है अब सर्दी आने वाली है तो मच्छर वगैरह तो आ ही जाते हैं, हिफाजत हम इतनी करते हैं। तो मम्मा अभी शायद शदास होती है कि नहीं, वो ये भी वो दास हो गया। किससे भाई, उन्हें कोई अपनी मामू का नहीं पता, वो मामा की झोली के बगैर रह भी नहीं सकता। ये मामा की, इसको मामा वली, मामू का हाथ पकड़ लो, मामू का हाथ पकड़ लो, चोने चोने चोने, वो देखो मेरी तरफ देख रहा है, मुझे पकड़ ले, क्योंकि मैंने सुबह से इसे देखा नहीं ना, देखो मेरी तरफ देख रहा है। ये देखो वली वली, मामू का चोने चमकीकुम गाते हेलो कर वली, वो देखिए ना दूध निकाल रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि ये किसी टाइम भी दूध निकाल देता है, पता नहीं चलता इसका। ये दानिश ना, इन कोई काम ना काज, घर बस वेलिया रोटियां तोड़ता पिया जे की है। कंपनी का फोन है दानिश कहता, वो देखो वो देखो, मामू अरे मामू पकड़ लो वली को, पकड़ लो अब, अब इतनी देर हो गया, पकड़ लो अब। वो मुझे कह रहे सिर्फ मुझे पकड़ लो, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे जो के वोड़े, तो अब मामा ने इसे कपड़े चेंज करवा दिया, क्योंकि मामा जैसे ही इसके कपड़े उतारती है वैसे ही वॉश करके खिला देती है और धो के सुखा देती है। चिकन और आलू का सालन बनाया था पापा, रोटी वगैरह लेने जा रहे हैं, रोटी अब खाऊंगा और सुकून होएगा, क्योंकि सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरा। चाय की आदत पे आई है ना, फूफा लोग हमें चाय की आदत लगा गए हैं, दिन में 4-4 दफ़ा मेरी फूफा लोग चाय पीते थे, तो वो ही आदत हमें लग गया, अगर चाय ना पिए एक दिन में तो सिर दर्द होने लग जाता है, फटने लग जाता है ना। तीन दफा तो मस्त था ना, अगर बोनस बोनस लग जाए तो 4 दफा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अपने मामू के साथ देखे मस्ती कर रहा है। क्या देख रहे हो, बैठ जाने मेरे साथ, आपने बैठ जाना, आज फिर बैठ चले जी जी, बोलो नानू बड़ा, आज फिर आजो फिर, आजो फिर जाना वाली, अब जा रहे खाना लेने, आजो नहीं जाना, आजो आजो, अभी भाई वो मेरे साथ खेलेगा। अरे मेरी चाबी अच्छी, अरे मेरी चाबी अच्छी वाली, इधर देख बस वाली को तो अभी सला दिया चूसने वगैरह दे के, चुशनी ले ले चुशनी ले ले चुशनी ले ले चुशनी ले ले चुशनी ले ले। और बली की मामा का भी फोन आ गया, ये देखिए दोस्तों बली की मामा करो मामा बात है। तो अभी खाना खा रहे थे, आलू वाला नान मंगवाया जे, क्योंकि मुझे चिकन नहीं पसंद, मैं नहीं खाता आलू वाला नान, पापा ने मंगवा दिया, पापा कहते तू ऐ खा ले ना खा चिकन, अब खाना खा लो, बड़ी भूख लगी जे, फिर बाद में मिलने। तो अभी बली मेरे सामने बैठा है,
और जैसे मैं इधर उधर होता हूँ तो मुझे सिर्फ देखता है मेरा शहजादा वली, पता नहीं वली को मुझसे लगता है चाहत मोहब्बत हो गया मामे के नाल। ये देख लो वली मेरी तरफ ही देखेगा, वली ये देख रहे ये रहा वली, वली जल्दी जल्दी आज अपनी मामा के जैसा लग रहा है। इसकी मामा की ना मैं बचपन की तस्वीर साथ लगाऊंगा, जैसा लग रहा है। ठीक है ठीक है वली, वली आज तो मामा जैसा लग रहा है, मामा की जैसा वली। ये देखिए भाई साहब लगे हुए हैं पापा अपना उसकी मामा भी। मामा ऐसे करना एक दफा बली के, मामा ऐसे करना बली के पापा आप भी कर दो ऐसे ऐसे। ये कौन है ये देखो, ये कौन है भाई साहब? हमारे घर में ना बहुत कभी खुशी आई नहीं, ये फर्स्ट खुशी है हमारे घर की, पहली खुशी। तो सब इसके साथ ही लगे रहते हैं, सब के साथ इसके साथ ही। तो जो लोग कह रहे थे ना इसका सर नहीं बन रहा, अब बाज आ जाओ ऐसे कमेंट करने से, माशाल्लाह से इसका सर बन रहा है, बहुत खूबसूरत प्यारा वाला उसका सर बन रहा है। तुम एंड तक कमेंट ना करिया करो तो सर नहीं बन रहा। बहुत गुस्सा आंदा है मैंने, बहुत गुस्सा आंदा है एंड कमेंट पढ़ पढ़ के। नैक्सट कमेंट ना इन्हें तो सिर भर देने तकिए दे नाल ही यार। वैसे यार कमेंट बात ऐसे किया करो कि सर नहीं बन रहा उसका, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सर बन रहा है। ये देखिए मां दी की कुंता पे, मां नु देख के नहीं रो रिया, ओनु उन भूख लग गई है, ओने तो दूध पियाया। अभी मुझे काम था थोड़ा सा बाहर, ते पापा नु मैं क्या पापा जी होंडा छोंडा ले आजिए, ते पापा कहंदे पुतला चाबी ओ लमकी है जाओ लाइयो, तेरा होंडा है लेके जा ना जा तेरी मर्जी है। असि क्या चलो फिर सानू पेट्रोल दे पैसे दे दो ਅੱਗੋਂ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲ ਛੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਭੀ ਮੈਂ ਹੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਪਜਾੜੋ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਲੋਹੜੀ ਹਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਓਲਡ 2013 ਮਾਡਲ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਆਪਣੇ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਹਮਨੇ ਰੱਖਾ ਥਾ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਜਾਨ ਨੇ ਜੁਗਨੂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਚਮਾਤਾ ਜੁਗਨੂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਸਾਫ 23 ਮਾਡਲ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਡਾ ਹੈਗਾ पिछे लेके आया ते मेरा पोपट बन गया की मोए मोए हो गया चांद का मोए मोए देखो टैर पेंच मैं पापा ने कहा पापा जी टैर पेंच रे पापा कहते ना टैर ध्यान ना देख ला टैर के अंदर ना कोई किल छिल ना हो दोस्तों वही देखना इधर टायर दे विच किते केल लै आवे ते करते किते ज्यादा टायर का मसला ही ना हो जाए ना होंडे नूं बाहर कढ़ना साफ टाके टूके मारिया देखो जरा लिशका मारिया कोलो देखो जरा दोस्तों साफ सूफ किया ते पसीना बहुत जा रहे होने इधर लैके जाना पेंचर वाली दुकान ते ते एक अजाब है कोल ही इन्ना दूर नहीं है दोस्तों इतना दूर नहीं है पास ही है लेकिन इसे अब मुझे किक मार के स्टार्ट करके लेके जाना पड़ेगा लेकिन हमने पापा से पैसे मंगवा लिए पंचर के भी पेट्रोल इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए 2 लीटर की रिजर्व हो दिया होने की मतलब कि 2 लीटर अगर तेल होए ना तो फिर इस चीज़ में इतने करना पैंता है मतलब ये 2 लीटर तेल तो ज़्यादा है 600 रुपये का तेल ये इस तो उन्होंने लैके चलते असं जरा देखो जो 1-2-5 स्टार्ट करता है बिल्कुल ही टायर बिल्कुल ही हवा नहीं है अब लेके चलते हैं चैलेंज एक लेके जाना भी से चलो ये स्टार्ट है और खुद ही चल रही है देख लो स्टार्ट ये खुद ही चल रही है मैं कोई नहीं रेड रोल लिया पापा कहते इस तरह ले जा इन्नी तंगी नहीं होगी अपना होंडा पेट्रोल पंप के पास आ गए कह भी पेंचर वाले इतों रहन दें आगे लुवा स्टार्ट जे इतना होंडा इस टाइम देख लो पेंचर का निशान पे लगन लगा जी अपने होंडे का पेंचर खराब हो गया लग रहा जी पेंचर अपने होंडे का अपने होंडे के यार 2 पेंचर निकल आए एक लग रहा है और एक अंदर भी सुई दी हुई है 2 पेंचर यार अभी मैं घर आया हूँ और दानिश भी घर आ चुका है तो असी खान लगे खाना
जो कि मामा ने बनाए हैं मसल चावल। ये मामा दानिश और हमारा शहजादा, मैंने ना अभी ना बाइक बहुत तेज चलाई है और मेरा ना पूरा जिस्म कांप रहा है इस टाइम, पता नहीं क्यों। मैं कहूँ मैं 100 की स्पीड तो मोटरसाइकिल दोस्त चलाना वा, मामा ने पता नहीं तो नहीं तो गाला कर। मेरा जिस्म मामा काम रहा है। तो अभी खाने लग गया, खाना हो सकता है खाना नहीं खाया, इस वजह से मेरा जिस्म ना काम नहीं कर रहा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का रखे ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखे दुआ में याद, तो मेरे शहजादे के लिए दुआ करते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अपना अपने प्यारों का रखे ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।